छंद नंबर 20 का व्याख्या में बता रहा था, आइए देखते हैं। यो देना है भगनी जतला एक अंभोज नेत्रा आंखों को हो विरह विधुरा वार में मोड़ती है। इस तरह से ये आय पवन तुम कृष्ण को बता देना उन्हें कि कमल जैसे नेत्रों वाली एक नायिका अर्थात राधा इसी कमल पुष्प के जैसे ही अपने आंखों को आंसुओं में व्यथित होकर डुबोती रहती है, अर्थात राधा के नेत्रों से वियोग के कारण लगातार आंसुओं की वर्षा होती रहती है। दूसरा 21वां छंद है, धीरे धीरे लाना बहन करके नीम का पुष्प कोई और प्यारे के चपल द्रिप के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हो। इसमें भी वही चीज है, पूर्व प्रसंग है कि इसमें भी राधा कृष्ण पवन से आग्रह करती हैं कि हे पवन तुम मेरी विरह व्यथा को प्रतीकों के माध्यम से कृष्ण के सम्मुख व्यक्त करना। तो धीरे लाना बहन करके नीम का पुष्प कोई, राधा पवन से कह रही हैं कि हे पवन यदि रास्ते में कोई नीम का कदम का पुष्प दिखाई दे और प्यारे के चकुल द्रिप के सामने डाल देना। तो वह कदम पुष्प कृष्ण के नेत्रों के समक्ष उड़ा कर ले आना और डाल देना। कदम का पुष्प उड़ा कर ले आना और प्यारे श्री कृष्ण के चरणों के समक्ष डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो कैसी होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। इस तरह तुम उन्हें यह बताने का प्रयास करना कि इसी तरह से राधा भी नित्य आशंकित रहती हैं, कैसी होती विरह वश में और वियोग के कारण पुष्प की ही तरह रोमांचित होती रहती हैं। ये मंदा पवन का मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार होगा। मंदा क्रांता छंद प्रत्येक चरण में या प्रत्येक लाइन में 17 वर्ण होते हैं, तो मंदा क्रांता छंद हो जाएगा। और खड़ी बोली भाषा में आप लिख सकते हैं खड़ी बोली। अंभोज नेत्रा माने कमल जैसे नेत्रों वाली, यहाँ पर राधा के नेत्रों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार होगा। और भी लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार, इस तरह से काव्यगत विशेषता में आप मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, भाषा, खड़ी बोली, छंद, मंदाक्रांता, रस, वियोग रस इत्यादि। धन्यवाद।